देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक मशीन है जो साइंस वो इंजीनियरिंग साइंस है, जिसमें जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करती हैं लगभग लगभग। तो और इसमें पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीन टाइप होती हैं, एक होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और सुपर एआई। अभी नैरो इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। और नैरो इंटेलिजेंस ऐसा है कि इसमें आर्टिफिशियल जो मशीन है वो नैरो काम करेगी, सिर्फ एक ही काम करेगी, लेकिन उस काम को वो ह्यूमन से बचा कर सकती है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया और इंटरनेट सर्चेज और ड्राइविंग कार और जो जो है। और जो जनरल एआई है ये इस एआई को कहते हैं कि कैपेबल है एकदम ह्यूमन के ऐसे ही जैसे ह्यूमन है सो सकता है और बाकी चीज़ें भी कर सकता है जस्ट लाइक ह्यूमन। लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, जैसे एक आर रोबोट हो गया, अभी एग्जाम्पल हो गया एक रोबोट है वो एजीआई का एक एग्जाम्पल है। और अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये अभी आया नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को हम इतना केपेबल बना दें जो इंसानों के बराबर हो, मतलब इंसानों को भी सरपास कर दे, क्योंकि जो हम इंसान है वो हमारे पास बिलियन न्यूरॉन्स है, मतलब एक लिमिटेड न्यूरॉन है, तो हम सोच सकते हैं एक लिमिटेड सोच तक। लेकिन जो एआई होगा ये हमारे जो सोचने की वो है क्षमता उससे भी खतरनाक होगा, मतलब ज़्यादा सोच सकता है। और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है मशीन और ह्यूमन के बीच की जो तालमेल है, जैसे कि मान लो आप वॉइस कंट्रोल हो गया, आप असिस्टेंट यूज करते हो गूगल वगैरह, तो उसमें जब आप कमांड देखो तो वो इंटरेक्शन है आपका एक एआई से, और जैसे कि चैटबॉट वगैरह हो गया। तो अब चैटबॉट के बारे में पढ़ेंगे हम। चैटबॉट ऐसा है कि ये एक एआई है जिससे आप बात कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, ये आपको बताएगा, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया और ट्विटर ने तो बीच में एक करके भेजा था एक चैटबॉट। अब एक कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन एनेबलिंग कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो कंप्यूटर विजन है एक मशीन को वो करता है, क्या कहते हैं, मतलब फोकस करता है और तुम मतलब एक मशीन को दिखा सकता है कि वो क्या चीज़ देखेगी, मतलब अंडरस्टैंड करेगी मैं क्या चीज़ देखी है देख के। और नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग है मतलब मान लो आपकी आपने जैसे कि गूगल में कुछ सर्च किया और आपको प्रिडिक्टिव सर्च मिल जाते हैं, जैसे आपने एक आध चीज़ें लिखी और प्रिडिक्ट करके उसने बहुत सारे रिजल्ट दे दिया, तो आपके उससे मिलते हो जो आपने इंप्रूव किया। तो उसका मतलब ये है कि जो एआई है वो आपकी जो लिखा हुआ है उससे मीनिंग ड्राइव करता है और सीखता भी है, तो उसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।